नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर भारतीय जनता पार्टी से है। सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य की यूपीए गठबंधन वाली हेमंत सोरेन सरकार की जन विरोधी नीति, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, तुष्टिकरण की राजनीति, युवाओं को रोजगार, गिरती कानून व्यवस्था सहित स्थानीय ज्वलंत जन मुद्दों को लेकर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय तक एक रैली निकालकर एक बड़ी जनसभा की। भाजपा जिला अध्यक्ष रामदरस यादव के नेतृत्व में राजमहल विधायक अनंत ओझा, दुमका सांसद सुनील सोरेन एवं बोरदा विधायक अमित मंडल की उपस्थिति में प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर इस सरकार के नाकामियों को गिनाया एवं सरकार के काले कारनामों को उजागर किया। मंच का संचालन नगर परिषद उपाध्यक्ष रामानंद साह ने की और धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य गणेश प्रसाद तिवारी ने की। सभा को उज्ज्वल मंडल, कमल कृष्ण भगत, जयप्रकाश सिन्हा, धर्मेंद्र कुमार, कृपानाथ मंडल, सूर्य नारायण हांसदा एवं शर्मिला रजक ने अपनी वाणी से संबोधित कर वर्तमान हेमंत सरकार की जबरदस्त खिंचाई की। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूहों को संबोधित करते हुए राजमहल विधायक अनंत ओझा ने हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। ये सरकार झूठ बोलने में इतना माहिर है कि सच भी शर्मा जाए। इस सरकार में खनिज संपदा को खुलेआम लूटा जा रहा है, ग्रीन राशन कार्डधारियों को अनाज नहीं दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, कानून व्यवस्था को कमजोर करने वाले ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंके उन्होंने। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है का नारा बुलंद किया। उन्होंने कहा कि इस निकम्मी सरकार के खिलाफ जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सरकार को आगाह कर रही है कि वे अपने काले कारनामों से बाज आए वरना इसी जिले से सरकार के खिलाफ खुला आंदोलन का आगाज होगा। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने में सरकार विफल रही है। रघुवर दास सरकार में जो एक रुपये में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होती थी उसे इस सरकार ने बंद कर दिया है। पूर्ववर्ती सरकार में प्रत्येक विधानसभा में 35 से 40 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था जो आज इस सरकार में महज 3 से 4 किलोमीटर तक ही रह गई हैं। एनजीटी द्वारा बालू पर रोक हटने के बाद भी आज इसकी कालाबाजारी हो रही है जो बहुत ऊंचे दामों पर लोगों को बेचा जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वही गोड्डा से भाजपा विधायक अमित मंडल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अमानवीय घटना हो रही है उस पर अविलंब रोक नहीं लगा तो महिला शक्ति के द्वारा उनको चूड़ी भेंट की जाएगी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण में प्रदेशवासियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ग्राम सभा से क्यों नहीं आए, जाति आवास पट्टा नहीं दिया जाता है परंतु ग्राम सभा स्थानीयता को मान्यता देगी ताकि घुसपैठियों को यहां बसा सके। प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे लगभग सभी योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया गया है जो प्रदेश की जनता के साथ छलावा है। अंत में सभा को संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम के प्रभारी सह दुमका से भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का परिवार इस राज्य के लिए अशुभ है, यही राज्य को बेचने का काम किया और उसका बेटा हेमंत सोरेन इस राज्य को लूटने का काम कर रही है, मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित पद को बदनाम एवं लज्जित करने का काम किया है, एक चालान से कई गाड़ियों को अवैध रूप से पास कराने का काम होता है इनकी सरकार में, चोरी और सीनाजोरी अब नहीं चलेगी, भाजपा इसे चलने नहीं देगी। अंत में सभा की समाप्ति पर जिलाध्यक्ष रामदरस यादव के नेतृत्व में दुमका सांसद सुनील सोरेन, राजमहल विधायक अनंत ओझा, बोरदा विधायक अमित मंडल एवं अन्य नेताओं ने जिला उपायुक्त की अनुपस्थिति में जिला के अपर समाहर्ता विनय कुमार मिश्र को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से विभिन्न मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा गया। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री कुसुमाकर तिवारी, कार्तिक साह, जिला उपाध्यक्ष चंद्रभान शर्मा, संजीव दे, जिला मंत्री गरिमा कुमारी, चांदनी देवी, ललिता पासवान, गौतम यादव, रामानंद चौरसिया, सोनीलाल ठाकुर, कोषाध्यक्ष महेंद्र पोदार, कार्यक्रम मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय, मंडल अध्यक्ष पंकज चौधरी, संजय मंडल, मनोज ठाकुर, पंकज ठाकुर, वीरेन साहा, सागर मंडल, अजय चौधरी, उत्तम भगत, सनातन मंडल, भारती, शिक्षणकर पंडित, प्रणव सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रमिता तिवारी, विनोद चौधरी, अनिमेश सिन्हा,
नौशाद आलम, संजय पटेल, डब्लू ओझा, दीपक चंद्रवंशी, कौशल किशोर ओझा, रंजन पांडेय, बबलू तिवारी, प्रमोद झा, संतोष चौधरी, धर्मेंद्र, गौतम पंडित, श्यामल दास, राजेश मंडल, प्रताप राय, सूर्यदेव महतो, रूबी देवी, ज्योति शर्मा, राजीव चौधरी, प्रकाश भारती, प्रकाश पंडित, अवधेश यादव, मुन्ना यादव, बजरंगी गोप, महेश राम, हेमंत तांती, मुन्ना तांती, संजीव पासवान, दिनेश पांडेय, संगीता देवी, सरिता देवी, श्वेता श्रीवास्तव, अजित साह, किशोर जैन, विक्रम जायसवाल, मनोज पासवान, विक्रम दास, विक्रम सरकार, प्रदीप तांती, अरविंद गुप्ता, शत्रुघ्न यादव, मनोज ओझा, पंकज ओझा, ओम प्रकाश पांडे आदि सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर विधायक अनंत कुमार ओझा ने और क्या कहा, चलिए जानते हैं रिपोर्ट। प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज, झारखंड। आपके संघर्ष का जो जुर्माना आपने लगाया कि जो सरकार की कमी है वो सरकार बदलनी है। हमारे नेता आए हुए हैं, बोलेंगे, क्योंकि 2.5-3 घंटे से आप सब लोग इकट्ठा है। हम आपके बीच में व्यवधान नहीं करेंगे, लेकिन यही आग्रह करेंगे कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष विद्रोह पप्पू साह जी, गोल मंडल जी, ऐसे सभी नेता आए हुए हैं, सबने अपना अपना भाषण दिया, सबने अपनी बातें रखा। और हम लोगों ने अभी प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रखंड कार्यालय में भी इसी प्रकार का होम का संक्रांत करने का काम किया था। और आज ये डीसी कार्यालय के सामने ये जो जिला का शासन है, इस शासन के माध्यम से हेमंत सरकार के अंदर जो अराजकता है, हेमंत सरकार के अंदर जो खनिज संपदा का लूट है, हेमंत सरकार के अंदर गरीबों का जो हक मारने का काम हो रहा है, मैं माननीय उपायुक्त महोदय आपके माध्यम से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने पूरा प्रचार करके मेरी माताएं आ रही है, गरीब गुरबा ये सारे जिला के सुदूर गांव से लेकर आई है। आज बता दे कि 3 महीने हो रहे हैं, कितने गरीबों को ग्रीन राशन कार्ड में आपने अनाज देने का काम किया, किसी को मिला?